सब्सक्राइब कीजिए टारगेट इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल को और घंटे को दबाइए जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज सबसे पहले देख पाएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आपका आपके चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये नया 52 क्वेश्चंस का मैं सेट लेके आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पेपर आपको सेट आपको पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थर्मल सुरक्षा स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? उत्तर होगा ओवरलोड। ठीक है, ओवरलोड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है कि जितना ओवरलोड होगा, जितना करंट ज़्यादा बहेगी उसी अनुसार हीट उत्पन्न होगा और वो सुरक्षा स्विच जो है वो उसको बंद कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेप अप सब स्टेशन किससे जुड़े होते हैं? उत्तर होगा जनरेटिंग स्टेशन से। ठीक है, जो 11 केवी जो हमारी बिजली जनरेट होती है, 11 केवी से ऊपर बिजली जनरेट नहीं होती है, तो वो 11 केवी जो बिजली जनरेट होती है उसको हम स्टेप अप करते हैं क्योंकि लाइन लॉस उससे कम होगा। ठीक है, तो इसको हम सीधा जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप सब स्टेशन को जोड़ देंगे और हम उससे ट्रांसमिशन को हम स्टेप अप करके वोल्टेज को भेज देंगे। तो उत्तर होगा जनरेटिंग स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सब स्टेशन में नहीं लगाया जाता है? उत्तर होगा एक्साइटर। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है सब स्टेशन में, तड़ित चालक भी लगाया जाता है, संट कैपेसिटर भी लगाया जाता है, केवल एक्साइटर ही नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर होगा एक्साइटर। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में तेल प्रयुक्त होता है? उत्तर होगा केवल आर्क रिमूविंग के लिए। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जब कॉन्टैक्ट मेक एंड ब्रेक होंगे तो वहाँ पर जो आर्क उत्पन्न होगी वो ऑयल के अंदर उत्पन्न होगी। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन होगी नहीं तो वहाँ पे आग लगेगी नहीं। ठीक है, तो आर्क रिमूविंग के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति एक मिनट में उठाए गए किलोग्राम जल के बराबर होती है? उत्तर है 4500 किलोग्राम जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस बार को से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए? उत्तर होगा 2.1 मीटर। 2.1 मीटर से ऊपर हमें बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 11 केवी हाई टेंशन तार को भूमि में गहराई पर लगाया जाता है? ठीक है, जो 11 केवी की हाई टेंशन तार होती है उसको हमें कम से कम 0.9 मीटर तक गहराई में डालना ही डालना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर हमें नहीं डालना चाहिए, इसे ज़्यादा हो जाए तो ठीक है लेकिन कम से कम 0.9 मीटर ही से कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर होगा 0.9 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अंडाकार टाइप इंसुलेटर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? उत्तर होगा स्टे तारों में। स्टे तार कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे हमारा मान लीजिए कोई पोल है, पोल के लिए जो सीमेंट वाले पोल होते हैं उन पोलों को सपोर्ट के लिए एक हम स्टे तार लगा देते हैं ताकि वो पोल गिरे ना। ठीक है, और वो अर्थ का भी काम कर लेता है और तार जो है अर्थ का भी काम करता है और जो है हमारे पोल को मतलब खड़ा रखने में भी सहायता करता है। तो उस तार को हम जो ज़मीन में लाने के लिए, हम ज़मीन से जोड़ने के लिए सीधे स्टे तार का उपयोग करते हैं, तो स्टे तार में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइनों में खोखले चालक क्यों प्रयोग किए जाते हैं? उत्तर होगा कोरोना हानि को कम करने के लिए। कोरोना हानि को कम करने के लिए ही हम खोखले चालक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना क्षति कम होती है जब चालक का आकार, उत्तर होगा गोलाकार होता है। ठीक है, गोलाकार हो तो कोरोना क्षति अपने आप कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम कंडक्टर को जोड़ा जा सकता है? उत्तर होगा कंप्रेशन द्वारा। एल्यूमिनियम के दो कंडक्टर हैं, उनको जोड़ने के लिए हम कंप्रेशन का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो उत्तर होगा कंप्रेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक एसेसरीज का बेस और कवर के बने होते हैं? उत्तर होगा उस पदार्थ के जो अग्निरोधक होता है,
जो अग्निरोधक होगा उसी का उपयोग हम करेंगे इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज़ का बेस और कवर बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है BIS नियम के अनुसार इलेक्ट्रिक स्विच की रेटिंग होती है, उत्तर होगा एक्सेसरीज ऑन ऑफ के लिए, जो उसकी जो रेटिंग निर्धारित होती है कि वन स्टार रेटिंग है, टू स्टार रेटिंग है, थ्री स्टार रेटिंग है, तो वो रेटिंग ऑन ऑफ को देखते हुए कि मतलब कितना वो वियर कर लेगा और कितनी स्पार्क होती है, ठीक है, उसको देख करके उसकी रेटिंग निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है सीलिंग रोज का प्रयोग होता है, उत्तर होगा सीलिंग फैन और ट्यूबलाइट के कनेक्शन के लिए। ठीक है, जो सीलिंग रोज होता है सफ़ेद कलर का होता है, उसका उपयोग हम सीलिंग फैन और ट्यूबलाइट वगैरह इन्हीं चीज़ों को हम जो घर में डोमेस्टिक यूज होता है उन्हीं के कनेक्शन के लिए हम सीलिंग रोज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है MCB का पूरा नाम है, उत्तर होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का क्या काम है, उत्तर होगा सर्किट को सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है HRC फ्यूज पदार्थ से बनता है, उत्तर होगा सिल्वर। अगला क्वेश्चन है फ्यूज सर्किट में लगता है, उत्तर होगा फेस वायर में। अगला क्वेश्चन है 3 पिन सॉकेट का प्रयोग होता है, उत्तर होगा पोर्टेबल उपकरण को सप्लाई देने के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्यूज कहाँ लगाया जाता है, उत्तर होगा फेस के सीरीज में, जो फेस तार होगा उसके सीरीज में ही हम फ्यूज़ को लगाते हैं, मतलब कि फ्यूज़ अगर उड़ जाए, फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो हमारी पूरी लाइन बंद हो जाए, वो सुरक्षा उपकरण है तो फेस के सीरीज में ही हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूज वायर निम्न में से किस पदार्थ का नहीं बनता, ठीक है, किस पदार्थ का नहीं बनता, नहीं होता है, उत्तर होगा स्टील का नहीं होता है, कॉपर का भी होता है, एल्युमिनियम का भी होता है, लेड का भी होता है, तो उत्तर होगा केवल स्टील का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज सर्किट को बचाता है से, उत्तर होगा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से फ्यूज हमारा सर्किट को बचाता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज विद्युत के किस प्रभाव पर काम करता है, उत्तर होगा हीटिंग, मतलब जितना करंट बहेगा उतनी ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी और बस उसी हीट पर फ्यूज हमारा मेल्ट हो जाएगा, तो फ्यूज पिघल जाएगा और हमारी सर्किट बंद हो जाएगी, तो हीटिंग पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है साधारण फ्यूज की तुलना में HRC फ्यूज की, उत्तर होगा उपरोक्त सभी, मतलब रैप्चरिंग क्षमता भी होती है इसमें, अधिक ताकतवर भी होता है, पूरी तरह बंद प्रकार का होता है, ये पूरा कॉम्पैक होता है, तो उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है सर्किट में पुश बटन का प्रयोग किया जाता है, उत्तर होगा बिजली घंटी बजाने के लिए। अगला क्वेश्चन है ISI रूल के द्वारा पंखा सॉकेट और लाइट के लिए कितना लोड होता है, उत्तर होगा 800 वाट। अगला क्वेश्चन है फ्यूज रेटिंग किस में होती है, उत्तर होगा एम्पियर में। अगला क्वेश्चन है एक फेज ऊर्जा मीटर के टर्मिनल होते हैं, जो एक सिंगल फेज जो एनर्जी मीटर होता है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 4, मतलब एक फेस न्यूट्रल इनपुट और एक फेस न्यूट्रल आउटपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है SWG का पूरा नाम है, उत्तर होगा स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला क्वेश्चन है
ईएलसीबी का पूरा नाम है? उत्तर होगा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, एसएमपीएस का पूरा नाम है? उत्तर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, एसएसआर का पूरा नाम है? उत्तर होगा सॉलिड स्टेट रिले। अगला क्वेश्चन है, एसीबी का पूरा नाम है? उत्तर होगा एयर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, वीसीबी का पूरा नाम है? उत्तर होगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, ओसीबी का पूरा नाम है? उत्तर होगा ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, आईसीटीपी का पूरा नाम है? उत्तर होगा आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। अगला क्वेश्चन है, आईसीडीपी का पूरा नाम है? उत्तर होगा आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। अगला क्वेश्चन है, एनओ का पूरा नाम है? एनओ का पूरा नाम है नॉर्मल ओपन। अगला क्वेश्चन है, एनसी का पूरा नाम है? उत्तर होगा नॉर्मल क्लोज। अगला क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम है? उत्तर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम है? उत्तर होगा लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है, एलडीआर का पूरा नाम है? उत्तर होगा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, वीडीआर का पूरा नाम है? उत्तर होगा वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, डीबी का पूरा नाम है? उत्तर होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, एमसीसी का पूरा नाम है? उत्तर होगा मोटर कंट्रोल सेंटर। अगला क्वेश्चन है, पीसीसी का पूरा नाम है? उत्तर होगा पावर कंट्रोल सेंटर। अगला क्वेश्चन है, आरसीसीबी का पूरा नाम है? उत्तर होगा रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, एसएफयू का पूरा नाम है? उत्तर होगा स्विच फ्यूज यूनिट। अगला क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम है? उत्तर होगा स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा नाम है? उत्तर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है, पीएफ का पूरा नाम है? उत्तर होगा पावर फैक्टर। तो दोस्तों ये रहे 52 क्वेश्चंस। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये शॉर्ट फॉर्म के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते क्वेश्चंस हैं, ये भी आते हैं, एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, इसलिए मैंने इस पर भी कुछ इसमें भी डाल दिया वीडियो में। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।